हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पीजीटी फिजिक्स 2013 का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, और इस वीडियो में हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 41 to 80, ठीक। और फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, पीजीटी का क्वेश्चन नंबर 1। देखो स्टूडेंट, इन ए वांडर वाल्स इक्वेशन पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, यूनिट ऑफ ए इज, ए का यूनिट निकालना है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, हमने आपको बताया सेम यूनिट वाले ही ऐड या सब्ट्रैक होते हैं। इसका मतलब हुआ ए अपॉन वी स्क्वायर का जो यूनिट होगा, ठीक, इसका यूनिट वो p के यूनिट के इक्वल होगा ना, यूनिट ऑफ p, ठीक। p में a अपॉन v स्क्वायर ऐड हुआ है तो यूनिट जो आएगा, यूनिट, ठीक, a अपॉन v स्क्वायर का जो यूनिट आएगा वो p के यूनिट के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर a अपॉन v स्क्वायर का यूनिट p के यूनिट के इक्वल है तो a का जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ a, यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट ऑफ पी वी स्क्वायर होगा। पी है हमारा प्रेशर, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स का यूनिट होता है डाइन, ठीक, डी वाई एन ई, और एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो सेंटीमीटर की पावर 6 हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम के ऊपर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, आ जाएगा डाइन इंटू सेंटीमीटर टू द पावर 4। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। टू लॉन्ग पैरेलल वायर आर एट सेपरेशन ऑफ आर द करेंट आई, द फोर्स ऑफ 1 मीटर ऑफ वायर विल बी। देखो स्टूडेंट, इसका जो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, एफ अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वन आई टू अपॉन आर पढ़ते हैं। अब यहाँ दोनों में करेंट आई वन आई टू है तो आई स्क्वायर हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपान आर हो जाएगा, आई स्क्वायर अपान आर, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, खुद अपना करिए, ओके। द मीन फ्री पाथ फॉर एयर मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली, देखो स्टूडेंट, रूम टेम्परेचर पर जो फ्री मीन पाथ आता है वो उसकी वैल्यू होती 0.15 × 10³ पर मीटर, ठीक, मीटर इनवर्स, तो ये 0.1 ही तो है स्टूडेंट, 0.15 है, तो इसको अगर हम हटा दें इसको तो ये नियर अबाउट 10⁻⁴ आएगा, ठीक है, इतना पर मीटर, तो इसमें हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। द डायोड विच आर यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड होता है तो आप जानते ही हैं, ए प्रोजेक्टाइल कवर द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। देखो स्टूडेंट, रेंज जो होती है वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर होती है, तो 30 और 60 पर रेंज सेम होगी, ठीक है। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ बामर सीरीज इज 6563 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ लाइमन सीरीज शैल बी। तो देखो स्टूडेंट, बामर सीरीज का फार्मूला होता है 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में होता है 1 अपॉन 2² - 1 अपॉन n² होता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन के लिए निकालना है तो ये 2 है, 2, तो 1 अपॉन लेमडा, तो लेमडा बामर के लिए हम बी लिख दे रहे हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू आर हुआ, ब्रैकेट में हुआ 1 अपॉन 2² माइनस 1 अपॉन 2² माइनस 1 अपॉन 3²
अगर इससे निकालेंगे स्टूडेंट तो ये आर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/4 और इधर 9 हो जाएगा, तो 36 एलसीएम हो जाएगा, इधर आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा 4, तो हो जाएगा 5R/36। ठीक, यानी लैम्डा बी का जो फार्मूला आ गया हमारा, इससे लैम्डा बी का फार्मूला क्या आया हमारा, लैम्डा बी इज इक्वल टू बामर सीरीज के लिए 36/5R आ जाएगा, आर रिडबर्ग कांस्टेंट है। ऐसे ही लाइमन के लिए फर्स्ट निकालेंगे तो 1/λL कर लो इसको, इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1² माइनस 1/n होता है, n की जगह 2 का स्क्वायर कर लो, तो एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक, एलसीएम हो जाएगा 4। ठीक, यहाँ पे आ गया हमारा 4 और माइनस आ गया 1 और आर बाहर है ही है, तो रिजल्ट निकला हमारा 4 में से 1 गया 3, तो लैम्डा एल इज इक्वल टू 4/3 है, लैम्डा एल इज इक्वल टू 4/3 एल आया है, 3R। ठीक, वेल दोनों डिवाइड कर दो स्टूडेंट, डिवाइड करने पर क्या आएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा बी अपॉन लैम्डा एल डिवाइड करने पर क्या आएगा, लैम्डा बी अपॉन लैम्डा एल लाइमन के लिए इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 4 से कट जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 × 3 = 27/5 आ जाएगा, ये 27/5। ठीक, दोनों डिवाइड कर लो। अब इसके बाद लैम्डा बी की वैल्यू बामर सीरीज की ये दी हुई है हमारी, उसको रख लो, तो ये हो जाएगा हमारा लैम्डा एल इज इक्वल टू 6563 × 5/27। इज इक्वल टू 1215 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, 1215 एंगस्ट्रॉम, तो ये हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देखो स्टूडेंट, वेक्टर जे इज इक्वल टू सिग्मा वेक्टर ही, ये ओम्स लॉ का ही एक फार्म है। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 48, इफ ए पार्टिकल इज एग्जैक्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, ये तो आप जानते ही हैं। अब अगर इसकी हम वेलोसिटी निकालें स्टूडेंट, तो v इज इक्वल टू dy/dt होता है। ठीक है, इससे v का फार्मूला आ जाता है a ओमेगा cos ओमेगा t आ जाता है। ठीक, अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालें, तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला k इज इक्वल टू 1/2 mv² होता है। ठीक, और v की वैल्यू a ओमेगा रख दो तो यह आ जाएगा 1/2 ma² ω² कास स्क्वायर ओमेगा टी होता है। ठीक है, कास स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, यानी काइनेटिक एनर्जी फार्मूला में कास स्क्वायर आ गया हमारा, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, तो जो कास स्क्वायर आया, के का फार्मूला आ गया हमारा 1/2 ma² ω² कास स्क्वायर ओमेगा टी। अब अगर हम कास स्क्वायर को इसको इक्वेशन बनाए वेव फार्म का, आसिलेटर का, आसिलेट्स का इक्वेशन बनाए, कह रहा ना कि हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी विद विच काइनेटिक एनर्जी आसिलेट्स, तो जिसमें ये आसिलेट कर रहा होगा तो उसमें कास की पावर 1 होनी चाहिए, इसमें पावर 2 है तो 1 हटा दो, तो 1 हटाओगे कैसे, फार्मूला रख दो कास 2a का फार्मूला, तो एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक,
और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी और ब्रैकेट क्लोज्ड हो जाएगा। अब इसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी 2 ओमेगा, ठीक। तो एफ हमारा हो जाएगा, एफ होता है ओमेगा अपान 2 पाई, तो ओमेगा की जगह यहाँ हो गया 2 ओमेगा अपान 2 पाई, ठीक। यानी हमारी जो फ्रीक्वेंसी हो गई, इसको हम अगर देखें तो 2f होती है, हो जाएगी इससे ना, ओमेगा अपान 2 पाई तो 2f हो जाएगा। यानी f डैश हमारा जो फ्रीक्वेंसी नई होगी वो पुरानी फ्रीक्वेंसी का 2 टाइम्स हो जाएगी 2f। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है 2f। ओके स्टूडेंट, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। देखो स्टूडेंट, जिसका वोल्टेज कांस्टेंट होता है उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। आप पढ़े हैं आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, ठीक है। वाई इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर के एक्स रिप्रेजेंट एट ए वेव। अब हमने अभी बताया कि इसको वेव में हमें कन्वर्ट करना है, तो वेव में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। पहला तो हमारे पास बनेगा, वेव में कन्वर्ट करेंगे अगर इसको, तो वाई इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर की जगह रख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक, कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक। आप देखो कॉस स्क्वायर को उसी फार्मूले से चेंज कर दो, अभी जो हमने कॉस टू ओमेगा का फार्मूला बताया था इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, टी ओमेगा टी माइनस 1, ठीक, ये फार्मूला होता है। तो जब हम कॉस स्क्वायर को यहाँ चेंज करेंगे तो कॉस 2 ओमेगा आएगा, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी एफ डैश ये हो जाएगी हमारी 2f हो जाएगी ना, तो 2f हो जाएगी। तो 2f की वैल्यू हम रख दें, f की वैल्यू ओमेगा अपान 2 पाई होती है, तो 2 से 2 कट गया, यानी फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपान पाई होगी। तो पहले में ऑप्शन होगा, पहले या दूसरे में। अब एम्पलीट्यूड देखते हैं स्टूडेंट, तो ये जो 2 कांस्टेंट है जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये 2 के नीचे आ जाएगा। यहाँ इसको कास स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे कास 2 में, तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड होकर के इधर आएगा 1/2। तो आप इससे खुद सीखिए बनाना, और सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आयन पोलराइज्ड बीम ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट फॉल्स अनपोलराइज्ड बीम, फॉल्स अनपोलराइज द इंटेंसिटी ऑफ इमरजेंट लाइट। तो इसमें माइलस लगाइए, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और जब कोई एक होता है, एक ही पोलराइड होती तो एवरेज वैल्यू लगाते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। द रिलेशन विच डज नॉट रिप्रेजेंट बीटा डी के, तो बीटा का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और इनमें देखो स्टूडेंट, इनमें तीनों में ही इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस पावर होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन है लेकिन, पर इसमें नहीं, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। द यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ऑफ लेंथ एंड मास एम इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड अंडर टेंशन टी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पहला ही है 1/2L इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग, एन इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी अपॉन एम, ये तनी हुई डोरी में आवृत्ति का सूत्र है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना। फर्मी, देखो स्टूडेंट, फर्मी के, फर्मी मीन्स होता है एफ लिखते हैं, ये होती है 10^-15 meter 1 फर्मी। अब आप समझ गए होंगे कि इससे क्या मेजर होगा, 4 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है।
in a common base mode of collector and base current are this 1.5 milliampere and 50 milliampere. देन इमीटर करेंट, इमीटर करेंट दोनों को ऐड कर दो स्टूडेंट, फार्मूला होता है आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ठीक, ऐड करके निकाल लो दोनों को, तो ऐड करने पर 5 5 ऐड करेंगे, थर्ड ऑप्शन खुद करेक्ट करिए, ये आ गया 1.95, अपना जोड़ लीजिए 50, दैट इज 2.45, ठीक, मिली एम्पियर, ठीक है, अपने से करिए लगाइए, ठीक है, ए सॉलिड स्फीयर एंड ए स्फेरिकल सेल हैव आइडेंटिकल मासेस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज, दोनों का रेडियाई का आंसर पूछ रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr² तो mr² इज इक्वल टू, दूसरे का होता है 2/3 स्फेरिकल सीट का जो है mr² तो r² यहाँ से आ गया r² / r² इज इक्वल टू, ये 5 इधर आ गया, 5/3 आ गया, ठीक, अब स्क्वायर हटा दो तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इधर रूट आ जाएगा, अपने खुद लगाइए, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस ए टॉर्क, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, फोर्स ऑफ टॉर्क ये नहीं होता है जो, ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ये थर्ड, ओके। अब देखो स्टूडेंट, इंटेंसिटी रेशियो ऑफ टू इंटरफेयरिंग लाइट बीम ऑफ लाइट इज अल्फा, तो इसमें दिया है, ध्यान से देखो स्टूडेंट, I1/I2 इसको दे दिया है अल्फा, तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड अगर हम निकालें, ध्यान से देखिएगा, तो A1/A2 हमारा आ गया अंडर रूट अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट अल्फा बाई 1, ठीक, यानी एम्पलीट्यूड का रेशियो हो गया। अब हमारा जो फार्मूला दे रखा है इसी में अंडर रूट अल्फा अपन 1 में एम्पलीट्यूड के फार्म में इसको हम रख देंगे, तो हमारा जो फार्मूला होगा I max minus I min upon I max plus I min, ठीक, इज इक्वल टू, अब इसमें आई मैक्स में क्या होगा अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर, आई मिन में क्या होगा अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर, वही इसमें रख लो स्टूडेंट, तो इज इक्वल टू आई मैक्स की जगह आ जाएगा रूट अल्फा माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस, ऊपर दे रखा है माइनस, आई मिनिमम में हो जाएगा रूट अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर अपान आई मैक्स में हो जाएगा, यही हो जाएगा रूट अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर का फार्मूला ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो बराबर 4ab आएगा, यानी आ जाएगा ऊपर 4 अंडर रूट अल्फा, नीचे हो जाएगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए की जगह अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर अल्फा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1, ठीक, 2 से ऊपर वाला काट दो स्टूडेंट, तो आंसर थर्ड इसमें आ रहा है, देखिए 2√α/2 α+1, 2 कैंसिल हो गया ये, तो यहाँ आ गया 2, तो 2 अंडर रूट अल्फा अल्फा प्लस 1 थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 2 फोटॉन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ईच विद वेलोसिटी सी, देयर रिलेटिव वेलोसिटी विल बी,
तो देखो स्टूडेंट, एनी रिलेटिव वेलोसिटी कैन बी मोर देन सी, देयर फोर आंसर विल बी सी, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब आप ये ना करिएगा कि इधर सी जा रहा है और इधर सी जा रहा, दोनों ऐड करके लिख दो। लाइट वाले में ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटॉन रिलेटिव वेलोसिटी इज सी ओनली, नॉट टू सी। तो ऐसा नहीं कि आप इनको दोनों जोड़ करके टू सी लिख दें, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे केवल सी होगा। ए पार्टिकल मूविंग ऑन वाई अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू साइन थीटा, तो एम्पलीट्यूड का जो मोशन होगा वो साइन थीटा के साथ एम्पलीट्यूड होगा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसका ऑप्शन सेकेंड होगा क्योंकि साइन थीटा के साथ वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, तो कोई भी इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज अगर है स्टूडेंट, ठीक, तो इसके कारण इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आप गॉस की थ्योरम में बहुत डिराइव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका डेरिवेशन। पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, चार्ज्ड बाय 120 वोल्ट डीसी सप्लाई यूजिंग ए सीरीज रेजिस्टेंस 15.5 ओम, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी विल बी। तो पहले स्टूडेंट आई निकालो। ठीक, आई जो हमारा होगा नेट वोल्टेज, जब चार्ज कर रहे हैं तो नेट वोल्टेज यहाँ पे होगा, दोनों का डिफरेंस 120 माइनस 8.0, ये नेट वोल्टेज होगा। लेकिन रेजिस्टेंस टोटल ऐड करेंगे तो 15.5 ओम ये है और प्लस 0.5 ओम ये है, तो हो गया 0.5 ओम। तो ऊपर का हो गया 8 माइनस कर दिया 120 से, तो आ गया 112, नीचे आ गया 16, डिवाइड करने पर आ गया 7, यानी करंट आई हो गई 7 एम्पियर। ठीक, अब 7 एम्पियर हो गए स्टूडेंट, तो जो चार्जिंग के समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका फार्मूला होता है वी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, ई प्लस ई आई आर, ई दिया है 8 हमारा, प्लस आई हमारी आई 7, आर हमारा दिया 0.5, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो दोनों इसको मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट, 11.5 आ रहा, तो 11.5 इसका आंसर आएगा, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ओके, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, द कर्व फॉर ए सिंगल हार्मोनिक पेंडुलम इन वेलोसिटी एज डिस्प्लेसमेंट विल बी, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का कर्व पूछ रहा है। तो देखो स्टूडेंट, आप तो जानते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट का, ds अपॉन dt होता है। ठीक है, इस पर भी पावर वन है, इस पर भी पावर वन है, तो इन दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम आयन इज रिलेटेड टू हाइड्रोजन एटम इज, देखो स्टूडेंट जो एनर्जी का फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू हम लोग जो पढ़े हैं माइनस का आर एच सी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पढ़ते हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब लिथियम के लिए हमारे जेड कितना है स्टूडेंट, लिथियम का हमारा जेड है 3, हाइड्रोजन का जेड है 1, तो 3 का स्क्वायर दोनों का अगर निकाल लें हम स्टूडेंट, ई हमारा आ गया लिथियम एल आई अपान ई हमारा आ गया एच। ठीक, तो इसका मतलब केवल ये जेड का स्क्वायर आएगा और सब कट जाएगा, एक ही अगर लेवल दोनों में लेंगे, प्लस ले लिया है तो इसमें भी लेवल एक ही आ गया, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर।
ठीक जेड के लिए अपॉन वन का स्क्वायर, जेड का केवल रेशियो बचेगा और सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 9:1 आएगा, तो थर्ड ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक डायपोल, डाई ए मैग्नेटिक सब्सटेंस, टाइम वायरिंग फील्ड। तो जब कोई फील्ड टाइम के अकॉर्डिंग वायरिंग होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ठीक है। तो फोर ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 66, एट विच टेम्परेचर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल सेम आरएमएस वेलोसिटी एज द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 इज 32 एंड H2 इज 2। देखो स्टूडेंट, तो VRMS का फार्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, VRMS, ठीक है, किसी के लिए हो VRMS, RMS ये होता है इज इक्वल टू √3RT/m होता है, ठीक है ना, ये होता है √3RT/m। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम कंपेयर करेंगे दो का तो R3R तो कैंसिल हो जाएगा, अगर दोनों की इक्वल होगा तो हमारा T और M के रिलेशन से डिफाइन होगा। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं TO/MO, ठीक, इज इक्वल टू TH/MH, ऐसा रिलेशन बनेगा। ये देखो इसी से बन जाएगा, इससे दोनों का अगर कंपेयर करेंगे VRMS, ठीक है। वैल्यू रख दो स्टूडेंट, TO हमारा निकालना है, TO हो गया, MO हमारा दिया है ऑक्सीजन के लिए, ये 32 हो गया, इज इक्वल टू TH हमारा दे रखा है 150 में 273 ऐड कर दीजिए, तो 150 और 273 ऐड करने पर आ जाएगा 3, ठीक, और 423 अपॉन H2 का 2 दिया हम, MH2 का 2 हो गया, 2 से ये कट गया, 16 हो गया, ठीक। इधर अब ये 16 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, TO की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, TO इज इक्वल टू 67, मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए 6768, ठीक है, इतना केल्विन आएगा। इसको डिग्री में चेंज करेंगे स्टूडेंट तो 273 माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आ जाएगा 6495, ठीक है। तो आप इसमें से माइनस करके निकाल लीजिए 6768 माइनस 273 और आपका रिजल्ट आ जाएगा थर्ड 6495। खुद निकालिए, खुद करिए, ओके स्टूडेंट। ए थिन डबल कॉन्वेक्स लेंस है रेडियाई ऑफ कर्वेचर ईच ऑफ 40, तो 1/f का फार्मूला लगाइए, n-1 और दोनों सेम है तो 1/r + 1/r हो जाएगी, 2/r हो जाएगी, ठीक। n की वैल्यू दे रहा 1.65 और 112 हो गया, और आर की वैल्यू दे रखा है 40। आसानी से आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट, देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा 0.65, 1 माइनस हो जाएगा और 2 से कट के 20 हो गया, तो ये आ गया 0.65/20, 1/f की वैल्यू आई, ठीक। इससे एफ की वैल्यू निकाल लो स्टूडेंट, एफ इज इक्वल टू 2000/65 आ जाएगा, 2000/65, और ये आ रहा है स्टूडेंट 30.7 आ रहा, ठीक।
तो ये 30.7 नियर अबाउट 31 है, तो सेकंड ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ए डे स्पेंट इन ए स्पेसशिप कंपेयर टू 3 days इन अर्थ द स्पीड ऑफ द शिप विल बी। तो देखो स्टूडेंट, इसमें हम लोग टाइम के फंक्शन में रिलेटिव थ्योरी से निकालते हैं जब स्पेस का कोई मैटर आता है। तो हमारा जो टाइम स्पेंड होगा टी इज इक्वल टू वो टी नाट होगा, अंडर रूट का आएगा 1 - v² / c² ठीक है। इससे अगर हम लोग देखें स्टूडेंट, तो फार्मूला हमारा आ रहा है 1 - v² / c² इज इक्वल टू टी नाट अपॉन टी का स्क्वायर आ रहा, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, टी नाट का मतलब अर्थ का मान लें तो 1 हुआ, और टी का हमारा जो वहाँ का स्पेस में कहीं का है तो वो 3 हुआ, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/9, ठीक। अर्थ के लिए 1 ले लिया, उसके लिए 3, दोनों का स्क्वायर हो गया 1/9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा आया v² / c², ठीक, इज इक्वल टू 1 - 1/9। इसी फार्मूले से कर लो, v² c² निकालना, तो इसको इधर कर दो, तो ये इज इक्वल टू आ गया 8/9 आ गया, ठीक। v² c² इज इक्वल टू 8/9, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c√8/9, c√8/9 कोई आंसर इसमें आ रहा है स्टूडेंट, सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन है, इसमें सी जो है रूट के बाहर नहीं है, बाहर है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। वैल्यू हमारी है c√8/9, ये वी की वैल्यू आ रही इतनी, तो यही वैल्यू ली जाएगी c√8/9। तो ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, वो माना जाएगा, सही लिखा है, ठीक है। इफ़ नंबर ऑफ रूलिंग ऑन ए ग्रेटिंग इज इंक्रीज्ड, तो देखो स्टूडेंट, जब नंबर इंक्रीज होगा ग्रेटिंग का, तो उसमें रिजॉल्विंग पावर भी इंक्रीज होती है, ठीक है। आप इसको खुद पढ़ें और याद करें, ठीक है। द पावर गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज मैक्सिमम, मैक्सिमम होता है स्टूडेंट कॉमन इमिटर मोड में होता है, कॉमन इमिटर यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। द स्ट्रेंथनेस कंजर्वेशन डज नॉट होल्ड इन, ठीक है, स्ट्रेंथ किस में होल्ड नहीं होती है, ठीक है। तो वो हमारा देखो स्टूडेंट, इन तीनों में पहले में भी होती है, दूसरे में भी होती है, तीसरे में भी होती है। इनमें देखिए, आप ध्यान से देखिए, तो ए एनर्जी कन्वर्जन है, ए भी एनर्जी कन्वर्जन है, ठीक। इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें ये हमारा जो रो है वो इस साइड में आ रहा है, जबकि रो इस साइड में नहीं होना चाहिए जो है, ठीक है। तो यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है कि इसमें होल्ड नहीं होगा कंजर्वेशन, ठीक है। स्ट्रेंथनेस कंजर्वेशन डज नॉट होल्ड इन ए नॉट इज इक्वल टू रो प्लस पाई, ठीक है। ए बल्ब इज स्टैम्ड 60 वाट 240 वोल्ट, द रेजिस्टेंस निकाल लो स्टूडेंट, आर इज इक्वल टू v² / p, वी दिया 240 × 240 अपान पी दिया 60, ये कैंसिल हो गया, 6 × 4 = मल्टीप्लाई कर लो 960, ठीक है। 24 × 4 = 960, 4 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ए ब्लैक बॉडी इमिट्स रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट 5000 एंगस्ट्रॉम,
तो ये हो गया हमारा लेमडा वन इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इसका टेम्परेचर टी वन दे रखा है, टी वन इज इक्वल टू 1227 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 273 प्लस कर दो इसमें तो आ गया 1500 केल्विन। अब कह रहा कि इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1000 इंक्रीज हो गया तो ये जो 1227 था इसमें 1000 इंक्रीज हो जाएगा तो 2227 आ जाएगा, तो टी टू हमारा आ जाएगा 2227, 1000 इंक्रीज हुआ तो 2227 हो गया प्लस 273 हो गया, ये हमारा आ गया 2500 इतना केल्विन आ गया। वींस ला इसमें लगा दो स्टूडेंट, वींस ला ऑफ रेडिएशन, तो लैम्डा वन टी वन इज इक्वल टू लैम्डा टू टी टू, ठीक। अब इससे आप लैम्डा टू की वैल्यू निकाल लो, तो लैम्डा टू का फार्मूला आ जाएगा इससे लैम्डा वन टी वन अपान लैम्डा अपान टी टू, ठीक। लैम्डा वन की वैल्यू कितनी दे रखी है 5000, ठीक। टी वन की वैल्यू कितने आई 1500, नीचे टी टू की वैल्यू कितनी आई 2500। देखो स्टूडेंट ये 00 कैंसिल हो गया, 5 से इसको काट दो 2 हो गया, यानी 3000 आ गया, यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये इज इक्वल टू 3000 एंगस्ट्रॉम आ रहा, ठीक। और वो पहला ऑप्शन हमारा है 3000, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये पहला ऑप्शन, ओके। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, थर्ड ऑप्शन करेक्ट, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों से कंडक्शन होता है, ठीक है। द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑन द सरफेस, तो देखो स्टूडेंट पोटेंशियल वी कांस्टेंट होता है अर्थ सरफेस और अर्थ के अंदर, कांस्टेंट, ठीक। तो कांस्टेंट का मतलब हुआ कि 1:1 आएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, वी कांस्टेंट होता पोटेंशियल, ठीक है। थ्री एम्पलीफायर स्टैक्स ईच विद ए गेन ऑफ 10 कनेक्टेड, द नेट गेन विल बी, तो नेट गेन का फार्मूला होता है, गेन का हमारा जो फार्मूला होता है जी आई एन इज इक्वल टू के की पावर एन होता है, ठीक है। के हमारा ये जो दिया रहता है 10 है, ये गेन है 10, और 3 एम्पलीफायर है, पावर 3 हो जाएगी, और 10 का क्यूब मतलब 1000 होगा, 4 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए बबल ऑफ रेडियस आर कम्प्लीटली डिप्ड इनसाइड द लिक्विड, के अंदर जो बबल होता है स्टूडेंट उसका जो फार्मूला होता है सरफेस टेंशन के लिए एक्सेस प्रेशर का, वो 2 × सरफेस टेंशन अपान आर होता है, 2S/R। अगर वो बबल बाहर होता तो 4S होता है, तो ये बाहर नहीं अंदर है लिक्विड के, तो 2S/R होगा, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है 2S/R, ठीक है। वेव लेंथ ऑफ लेजर बीम कैन बी यूज्ड ए मेजर ऑफ, देखो स्टूडेंट लेसर मेसर ये सब डिस्टेंस मेजर करने में यूज होते हैं सोनार, तो ये हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट है, लेंथ मेजर करने में यूज होता है लेसर बीम का, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट
कंजर्वेटिव फोर्स, आप देखो स्टूडेंट कूलम्स इलास्टिक और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो कंजर्वेटिव हैं, फ्रिक्शन जो है नॉन कंजर्वेटिव है। फोर ऑप्शन करेक्ट हमारा है, ठीक है। थ्री रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन ए ट्रायंगुलर फॉर्म एज फॉलो, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी निकालना है स्टूडेंट, तो इस साइड का जो ये 100 हो गया और 60 हो गया, ये सीरीज में हो करके 160 हो गया, ठीक, और इसके 40 के साथ पैरेलल हो गए, तो हमारा जो रिजल्ट आया आर नेट रिजल्ट आया वो आ गया 160 इंटू 40 अपान 160 प्लस 40, तो नीचे वाला तो हो गया 200, तो 160 इंटू 40 अपान 200, ठीक, 40 से काट दिया 5 आ गया, 5 से काट दिया इसको 32 आ रहा है स्टूडेंट, 32 आंसर हमारा आ रहा है, तो 4 हमारा करेक्ट होगा, ये आंसर 32 आ रहा, 32 ओम, 4 आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है, आंसर हमारा 4 है। ओके ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए और साथ ही फ़ायदा उठाइए, ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की, ठीक है। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है।